नमस्कार, आप देख रहे हैं एमवी न्यूज 27, देश का विश्वसनीय न्यूज चैनल। भाजपा मकीर मंडल ने मंडल कार्यालय सहित 56 बूथों पर मनाया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस सादगी के साथ मंडल कार्यालय सहित मंडल के 8 शक्ति केंद्र के 56 बूथों पर मनाया गया। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही उनके बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। मंगलवार को मकीर भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ जिला अध्यक्ष रामदयाल वर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता कामेश्वर ओझा, आमनौर विधानसभा प्रभारी अभिमन्यु सिंह, जयशंकर बैठा के निर्देशन में मंडल अध्यक्ष सुचिंद्र साह ने जनसंघ संस्थापक को पुष्पांजलि अर्पित कर किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी प्रखर राष्ट्रवादी इंसान थे। मुखर्जी ने कभी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। वे द्विराष्ट्र की विचारधारा का हमेशा विरोध करते रहे। सारण कोषाध्यक्ष सुधीर कुमार ने कहा कि मुखर्जी का कहना था कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं होने चाहिए। एक देश की जन भावना से कार्य होने चाहिए। मुखर्जी कहते थे कि देश के किसी भी राज्य में धारा 370 की आवश्यकता नहीं है। सभी नागरिकों को समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। आज हमारी भाजपा पार्टी ने जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाकर देश में एक देश प्रधान का कानून बनाकर डॉक्टर मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। सारण भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष निरंजन शर्मा ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपने अल्प जीवन काल में ख्याति प्राप्त कर देश को नई दिशा देने का काम किया। उन्होंने देश की एकता अखंडता कायम रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सारण अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष नागेश्वर बैठा ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने देश व समाज की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाकर भारत को अखंड बनाए रखने का संदेश दिया। श्रद्धांजलि देने वालों में जिला मनीष मल्होत्रा, अशोक मल्होत्रा, सुनील टाइगर, बिट्टू शर्मा, अतुल श्रीवास्तव, सुबोध शर्मा आदि शामिल रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे।